मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आप सभी अपना पाठ 8 मैं कूड़ेदान हूँ निकाल लें, पेज नंबर 57। और सभी बच्चे अपनी किताब पर उंगली रखेंगे। मेरा नाम सुनते ही सब घबराएं, नाक मुंह भौहें बनाएं, दूर दूर मुझसे भाग जाएं। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मतलब मैं अपनी बात अपने आप कह रहा हूँ। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, मेरे कई आकार हैं। आकार माने छोटा बड़ा, ठीक साइज। घर हो, स्कूल या दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह पाया जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब सभी पेज नंबर 58 निकाल लें। अब तो समझो, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, मेरा प्रयोग करें। मतलब और कोई नहीं लिखता कि मेरा प्रयोग करो, लेकिन कूड़ादान क्या कहता है कि मेरा इस्तेमाल करो। जब से ये धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टिन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। नीला कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि, जबकि मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, पर जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में ना लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित करना माने बुलावा देना। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी, गंदगी से हैजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। जागोरे जागोरे, करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल। तो कूड़ादान क्या कहता है, मैं ही एकमात्र ऐसा हूँ जो कहता है कि मेरा प्रयोग करो। तो एकमात्र माने केवल एक। कूड़ा कहता है मेरा उपयोग करो, तो उपयोग करना माने काम में लाना, कि मुझे काम में लाओ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप सभी को इस पाठ को पुनः पढ़ना है और शब्दार्थ को तिथि, पाठ का नाम, कक्षा का डालकर अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो।